स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज का ये जो वीडियो है ये सीबीएसई के जो क्लास 10th की जो मार्क्स प्रिपरेशन चल रही है उसी से रिलेटेड है। मेरे चैनल पर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड दो वीडियो और मिलेंगे जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये बताया था कि हम मार्क्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और जो सीबीएसई ने कंडीशंस बताई थी उसके लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं। अब ये जो तीसरा वीडियो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कल 10 मई को जो सीबीएसई ने हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करवाया है, रेफरेंस डेटा प्रोवाइड कराया है सभी स्कूलों को, उस डेटा को हमें कैसे देखना है और उस डेटा को देखने के बाद हमें हमारे रिजल्ट को फाइनल कैसे करना है। क्योंकि जब हम इस डेटा को फाइनल करेंगे और 20 मई को जब सेम पोर्टल पे सीबीएसई मार्क्स अपलोड करने की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, सो हमें हमारे मार्क्स को अपलोड करना है, हमें हमारे सारे कंडीशन लगाने के बाद जो हमें फाइनल मार्क्स मिल रहे हैं उनको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स एनी रेफरेंस कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होंगी। अगर आपने रेफरेंस कंडीशंस को या रेफरेंस डेटा को प्रॉपरली अपने करंट डेटा से मैच नहीं करा है तो आपको जरूर प्रॉब्लम आएगी जब आप डेटा अपलोड करने जाएंगे, और उस समय उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी सब इसी रेफरेंस डेटा हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस रहेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीबीएसई ने जो पोर्टल स्टार्ट करा है वो हमें कैसे मिलेगा या हम उस तक कैसे जा सकते हैं। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे ये पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ये सर्कुलर आया था 1 तारीख को। कल आप लोगों ने देखा होगा या जिन लोगों ने नहीं देखा वो अभी देख सकते हैं कि कल 10 तारीख को इसी सर्कुलर के ऊपर एक लिंक प्रोवाइड करी गई है जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पेज आपने पहले भी देखा हुआ जब हमने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स को अपलोड करा था सीबीएसई की वेबसाइट पे। सो सेम ही पोर्टल है जहां पे हमने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को अपलोड करा था, उसी में ही आपको नया ऑप्शन मिला है अपलोडिंग ऑफ थ्योरी डेटा फॉर क्लास 10th, ठीक है। सेम पोर्टल पे आपको ऑप्शन मिला है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको अपने स्कूल का यूजर आईडी जो कि आपका एफिलिएशन नंबर होता है, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है होम और लॉगिन का बटन, तब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, होम, लॉगआउट एंड हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। सो जब आप लॉगिन कर लेंगे तब आपको यहाँ पे लॉगआउट के पास में ऐसे ही होम, लॉगआउट और लॉगआउट के पास में एक नया ऑप्शन दिखाई देगा हिस्टोरिकल डेटा का। उसके बाद आप जब उस हिस्टोरिकल डाटा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एक गेट डाटा का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे सो आपको सीबीएसई के थ्रू प्रोवाइड करा हुआ डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये डेटा दिखाई देगा। इसमें उन्होंने 3 चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हैं, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन थ्योरी मार्क्स, ठीक है। सो आउट ऑफ 80 आपके लास्ट 3 ईयर्स के उन्होंने एवरेज आपको प्रोवाइड करे हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। सो सब्जेक्ट वाइज एवरेज आपको मिल जाएगा, देन फिर आपको ईयर वाइज एवरेज मिल जाएगा 5 मेन सब्जेक्ट के, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं 5 मेन सब्जेक्ट के हैं कि नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, तो जो आपका रेफरेंस ईयर होगा उन्होंने उनको हाईलाइट करा हुआ है, उन्होंने उस रेफरेंस ईयर को हाईलाइट करा हुआ है, बोल्ड करा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग 80 मार्क्स के जो अलग अलग रेंज उन्होंने बताए थे, ब्रॉड रेंज उन्होंने बताई थी, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है। मान लीजिए आपकी जो भी टोटल स्ट्रेंथ थी उस रेफरेंस ईयर से, सो उन्होंने एक परसेंटेज को बताया था, सो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वो परसेंटेज दिया हुआ है और इस परसेंटेज से ही आप अपने करंट ईयर के स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करेंगे कि आपके कितने स्टूडेंट किस रेंज के अंदर आएंगे करंट ईयर के लिए, वो आप इस परसेंटेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करना है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एवरेज मार्क्स की बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे 2018, 2019, 2020 3 ईयर के आपको रेफरेंस दिए हुए हैं। यहाँ पे 2019 जो है वो रेफरेंस ईयर है, क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स जो बाकी 2 ईयर है उससे ज़्यादा है। अब जब मैं इन मार्क्स को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, इन एवरेज मार्क्स को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, सो आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे एवरेज लिख के आ रहा है 70.552। तो इन 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो हो गया 70.552। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये ईयर वाइज एवरेज दिया गया है तो यहाँ पे वही एवरेज दिखाई दे रहा है 70.55। तो इस तरह से आपको पता पड़ गया कि जो एवरेज है वो सही एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिल गई हैं, पहली चीज़ है सब्जेक्ट वाइज जो एवरेज मार्क है वो,
और दूसरा है हमारा रेफरेंस ईयर का ओवरऑल एवरेज। ठीक है, सो लास्ट वीडियो पार्ट टू में मैंने आपको बताया था कि आपको कंपैरिजन करना रहेगा। कंपैरिजन किस तरह से करेंगे उसका मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए, डेटा को अरेंज कर लीजिए। अब हमारे पास रेफरेंस ईयर के एक्चुअल एवरेज हैं, सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एवरेज मिले हुए हैं CBSE के डेटा से और उसको मैंने एक्सेल पे कॉपी करा हुआ है, सो मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया। जिस शीट पे मेरा डेटा है वहाँ पे मैं गया, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, सो इंग्लिश के मार्क के ऊपर मुझे क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, फिर ऐसे ही हिंदी के मार्क पे जाना है, इक्वल करना है और हिंदी के मार्क के ऊपर आके सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। फिर इसी तरीके से मैथ्स के मार्क के ऊपर आना है, वहाँ पे इक्वल करना है, शीट पे जाना है और मैथ्स के मार्क को हमें सेलेक्ट कर लेना है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके मैथ्स के अंदर दो तरीके के मैथ्स आजकल चल रहे हैं, एक है मैथमेटिक्स बेसिक और एक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। सो CBSE ने आपको एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस ऑफ 241 मैथमेटिक्स बेसिक प्लीज टेक रेफरेंस ईयर एज 2020 ओनली। सो क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिक जो है वो 2020 से स्टार्ट हुआ है, सो यहाँ पे बेसिक भी आपको देखना पड़ेगा और स्टैंडर्ड भी आपको देखना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड का तो उन्होंने एवरेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक का एवरेज जो है वो आपको 2020 का लेना है। सो 2021 का जब हम बना रहे हैं, सो हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे तीन बच्चे ऐसे हैं जो, क्योंकि मेरा जो डेटा था वो 6 बच्चों का था। ठीक है, सो उसमें से मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करा। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सपोज करिए ये जो 4, 5, 6 नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं, या ये जो 5 और 6 नंबर के जो स्टूडेंट हैं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको जो है वो डिलीट कर दिया। सो ये जो मैथ्स है ये हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड वाला है और ये जो मैथ्स है ये बेसिक वाला है। सो यहाँ पे क्या हुआ, करंट ईयर में आपके जो आउट ऑफ 6 दो बच्चे जो हैं वो बेसिक में हैं। ठीक है, सो बेसिक का आपको एवरेज अलग से देखना होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और बेसिक, बेसिक का जो कोड है वो 241 है। सो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो ये हो गया 241 फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, सो अब आपको एक और एवरेज देखना है। ठीक है, सो एवरेज देखने के लिए जो हमारा यहाँ पे तरीका है हम उसी को ही रखते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे एवरेज मिल गया है 71। तो अब आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक, साइंस और सोशल साइंस है। तो सिमिलरली कंपैरिजन के अंदर भी हम जाएंगे, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक नए कॉलम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो नए कॉलम को इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट कर दिया है मेरे पुराने डेटा को, जो डेटा मेरा पहले मैंने यूज़ करा था जब हमें नहीं पता था कि इस तरह का कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डेटा को शिफ्ट कर दिया है। सो सोशल साइंस मुझे यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे मुझे चाहिए बेसिक, सो यहाँ पे मुझे बेसिक को लेके आना है। मैंने यहाँ पे इक्वल प्रेस करा, मैं शीट पे गया, मैथमेटिक्स लिया और यहाँ पे ये आ गया बेसिक। और ऐसे ही मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड के परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज लेने हैं, तो मैंने यहाँ से ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे चेक करना है कि मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। सो इसे 2 डेसिमल तक हम एक्सपांड कर देते हैं। सो हमने इसको 2 डेसिमल तक एक्सपांड कर दिया है। ठीक है, सो ये मेरा बेसिक और स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग आ गया है। अब आगे प्रोसेस करते हैं। सो अब मुझे मैथमेटिक्स बेसिक का एवरेज उठाना है, सो मैंने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, ये हो गया बेसिक का एवरेज। और फिर इसी तरीके से साइंस का हम ले लेते हैं, यहाँ से साइंस का हमने ले लिया है एवरेज। और इसी तरीके से हम यहाँ पे सोशल साइंस का भी ले लेते हैं, तो हमने सोशल साइंस का भी जो एवरेज है वो ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो सब्जेक्ट वाइज एवरेज हैं वो मुझे मिल गए हैं। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फॉर्मूले को और अच्छे से करेक्ट कर दिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में आपको डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि डिफरेंस जो होना चाहिए वो -2 से लेकर +2 तक होना चाहिए, -2, 0 और +2। तो यहाँ पे इंग्लिश में और आपको मैथमेटिक्स बेसिक के अंदर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बाकी साइंस में -2 है, सोशल साइंस में 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। सो अकॉर्डिंग टू द CBSE -2 से लेकर +2 तक आपका जो डिफरेंस है वो चल सकता है।
तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स बेसिक के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपको इस डिफरेंस को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपको यहाँ पे प्लस टू तक लेके आना है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, और मैथमेटिक्स बेसिक के अंदर आपको बहुत मैनेज करना है। सो ये मैनेज आप कैसे करेंगे? ये CBSE ने स्कूल और टीचर्स के ऊपर, जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मेंबर्स बन रहे हैं, कमेटी मेंबर्स बन रहे हैं, वो आपस में डिसाइड करके इस चीज़ को मैनेज करेंगे। अब चलते हैं ओवरऑल एवरेज के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 का एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। 2021 का एवरेज कैसे होगा? ओवरऑल जो पांच सब्जेक्ट हैं उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, सो मैंने पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज है उसको सिलेक्ट करा, और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे सो एवरेज आपको दिखाएगा 70। सो यहाँ पे ये 70 जो है वो ओवरऑल एवरेज है करंट ईयर का। सो इसे हम कंपेयर कर लेते हैं रेफरेंस ईयर से। सो हम रेफरेंस ईयर की शीट पे चलते हैं, वहाँ पे हमारा परसेंटेज जो दिया हुआ है उसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, और दोनों को पॉइंट में देख लेते हैं, दो पॉइंट तक। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एवरेज है वो रेफरेंस ईयर से कम है। सो अकॉर्डिंग टू द CBSE कंडीशन, जो करंट ईयर का ओवरऑल एवरेज है वो रेफरेंस ईयर के ओवरऑल एवरेज से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। हमें बस ये जो सब्जेक्ट वाइज एवरेज है इसको कैसे ना कैसे करके मैनेज करना है फॉर द करंट ईयर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ब्रॉड रेंज डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए जो रेंज ऑफ परसेंटेज CBSE ने आपको प्रोवाइड करा है, सबसे पहले तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी कर लीजिए सब्जेक्ट के जगह पे, जो भी सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स की आपको रेंज दिखाई दे रही है, सो आप इस रेंज को कॉपी करिए, कंपेरिजन वाली शीट पे आइए और यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए, तो आपको टोटल दिख जाएगा 100%। ठीक है, ऐसे ही हिंदी का आप सिलेक्ट करिए, यहाँ से कॉपी करिए, कंपेरिजन वाली शीट पे आकर उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? फिर नेक्स्ट आप साइंस के सब्जेक्ट के परसेंटेज उसे कॉपी करिए और इस शीट पे आकर आप पेस्ट कर दीजिए। ऐसे ही सोशल साइंस के परसेंटेज आप कॉपी करिए और कंपेरिजन वाली शीट पे आकर आप पेस्ट कर दीजिए। ऐसे ही इंग्लिश के आप कॉपी करिए और कंपेरिजन शीट पर आकर आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखेंगे आपको 100 टोटल यहाँ पे सभी का दिख जाएगा, कहीं पे एक आध परसेंट का जो एरर है वो आपको दिखाई देगा माइन्यूट सा। अब ये परसेंटेज आपको मिल गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप यहाँ पे देखिए कि आपका करंट ईयर का जो स्ट्रेंथ है, जो स्टूडेंट काउंट है, करंट ईयर की क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सो सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे जो करंट ईयर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है 6। ठीक है, मैं 6 लेके चल रहा हूँ, हो सकता है आपके 30 हो, 24 हो, क्योंकि मैंने 6 के डेटा से आपको पहले भी बताया है। सो यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन करंट ईयर लेके चल रहा हूँ 6। सो अब मुझे पता करना है कि इन 6 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये इस पूरे रेंज के अंदर कैसे डिवाइड होंगे, और ये मुझे डिवाइड करना है जो CBSE ने परसेंटेज दिए हैं रेफरेंस ईयर के, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पे लेके आना है। सो मेरे पास परसेंटेज है, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। सो मैंने यहाँ पे इस परसेंटेज को एडिट करा। आप डबल क्लिक करके सेल को एडिट कर सकते हैं, उसके आगे आपको लगाना है इक्वल, आपके पास परसेंटेज है। ठीक है, सो परसेंटेज अगर आपके पास है तो आपको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो परसेंटेज है आपके पास, मल्टीप्लाई करा आपने 6 से टोटल स्टूडेंट काउंट से और डिवाइड करा 100 से। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे सो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू आपको पॉइंट में दिखाई देगी, बट आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी। सो आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दिख गया है 0। फिर आपने ऐसे ही आगे ये प्रोसेस करा, इक्वल लगाया, मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पे आपको दिख गए हैं 2 स्टूडेंट। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंज ऑफ 60-70 है 2। ऐसे ही आप इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, सिर्फ मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 को कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट सेल में जाइए, यहाँ पे इक्वल करिए और पीछे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको मिल गया 4। सो आप देख सकते हैं कि 4 और 2 का जो टोटल होता है वो हो जाता है 6। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके हैं
क्लास टेंथ के अंदर और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर वो है 6, सो आपको यहाँ पर टोटल मिल गया है 6। इसी तरीके से आपको सभी जगह इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। सो आपको स्टूडेंट काउंट जो है वो हर रेंज के अंदर मिलता जाएगा और आपको एट द लास्ट स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से आप अप्लाई करते जाएंगे, सो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने स्टूडेंट होने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इस तरह से कितने स्टूडेंट होने चाहिए पर्टिकुलर रेंज के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो आपको इस तरह से मिलता जाएगा। आपको बस वो फॉर्मूला जो आपने कॉपी करा है उतना हर एक जगह पे पेस्ट करना है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलते जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल रहे हैं पर्टिकुलर रेंज में अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ईयर, ठीक है। आपके जो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, जो मार्क्स आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वो कुछ और होंगे, डेफिनेटली वो कुछ और होंगे, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू CBSE है। आपने जो डेटा प्रिपेयर करा है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो डिफरेंट होंगे। सो आपको वो फाइंड आउट करना है कि वो क्या होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपने जब ये फॉर्मूला लगाया, सो यहाँ पे आपको 5 ही स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो आपको आ रहा है वो 6 आ रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट चल रहे हैं वो पॉइंट में चल रहे हैं, 0.50। अब ये 0.50 को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी आने वाली है। सो आप ज़्यादा वाले रेंज में तो नहीं रख सकते हैं 0.50 को, सो इसको आप मैन्युअली 0 करके उस स्टूडेंट को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेज हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो प्रॉपर मैनेज हो जाएंगे और जब ये डेटा आप अपलोड करेंगे CBSE की वेबसाइट पे, सो आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी कि ये डेटा अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी आपको इसमें मदद नहीं कर पाएगा, इस तरह के कुछ एरर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे क्योंकि CBSE ने जो परसेंटेज दिया है वो पॉइंट में दिया है और स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी पॉइंट में नहीं होते। तो जब आप उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 0.50 स्टूडेंट आपको दिखाई देगा। अब 0.50 स्टूडेंट नहीं होता है, स्टूडेंट या तो 1 होगा या 2 होगा, 0.50 नहीं होगा। तो जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन आएगी वहाँ पे आपको उसको लोअर रेंज में रखना है, ठीक है, हायर रेंज में आप उसको मत रखिए। और ये चीज़ कब क्लियर होगी, जब आप उस डेटा को अपलोड करेंगे CBSE की वेबसाइट पर। सो अभी आप उसको इस तरीके से बना के रख लीजिए, फाइनल आप उसी दिन डिफाइन कर पाएंगे जब आप उसको ट्राई करेंगे अपलोड करेंगे। अब ये जो डेटा बना है ये बना है अकॉर्डिंग टू द CBSE, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ गिवन इन रेफरेंस ईयर अकॉर्डिंग टू CBSE, ठीक है। तो ये वो डेटा आया है, ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आए हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रेंज में होने चाहिए CBSE के दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप अपने कैलकुलेटेड नंबर के अंदर से किस रेंज में कितने बच्चे आ रहे हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पार्ट टू देखा है उनको ये चीज़ पता होगी, जिन्होंने पार्ट टू नहीं देखा है उनको मैं बता देता हूँ कि आपने जो नंबर बनाए हैं क्लास टेंथ के करंट ईयर के उनकी रेंज क्या है, ठीक है, वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये आपके मार्क्स हैं, सपोज करिए ये आपके फाइनल मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें आपको पता करना है कि कौन कितने रेंज में आ रहा है, ठीक है, कितने बच्चे कितने रेंज में आपके डेटा से आ रहे हैं, आपके एक्चुअल डेटा से आ रहे हैं, ठीक है। सो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये किस तरह से होगा। तो सपोज़ हम इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसी शीट के नीचे ताकि हम कंपेयर कर पाएं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गिवन रेंज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गिवन रेंज फॉर करंट ईयर, ठीक है। सो ये हमने करंट ईयर कर दिया, करंट ईयर को हम कर देते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। सो ये करंट ईयर का हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अब करंट ईयर का हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है।
ठीक है, अब थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये 2019 है और ये करंट ईयर है, सो 21। का ही है ये, बट एज पर 2019, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सही से मेंशन कर दिया कि ये 2021 का ही डेटा है बट एज पर 2019, और ये 2020-21 का एक्चुअल है, और हमें जो चाहिए वो इस तरह से चाहिए, बट हमारे पास जो अभी है वो ये है। क्यों? क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो अभी डेटा बनाया हमें नहीं पता वो किस रेंज के अंदर आता है, तो हमें पहले यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है, और हमें देखना है कि हमारे डेटा में और CBSE के रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा मिला है, जो हमने गेस करा है, वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो हमें उसको मैच करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इस रेंज के अलावा नहीं कर सकते हैं, CBSE ने बोला, तो हमें इस रेंज को मैच करना पड़ेगा। सो मैच करने से पहले हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो इस रेंज को मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सो कैसे हम देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है लेस देन 26, सो इंग्लिश से लेकर सोशल साइंस के अंदर लेस देन 26 है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया, मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप देखिए, डेटा को आप सेलेक्ट करिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल के अंदर जाइए, और आपने यहाँ पे कर दिया लेस देन 26, तो 26 आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, सो 26 आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन के अंदर जाना है, कस्टम बॉर्डर में जाना है और ओके करना है, फिल में जाना है, लेस देन 26 को आप रेड से मार्क कर दीजिए, ठीक है, सो आपने यहाँ पे इसको ओके करा और ये हो गया कि लेस देन 26 कहाँ पे, तो लेस देन 26 कहीं पे भी नहीं है, इसको हम कर देते हैं रेड से मार्क, ठीक है, इसको हम कर देते हैं येलो से मार्क, इसको हम कर देते हैं ब्लू से मार्क, इसको हम कर देते हैं पर्पल से मार्क, और इसे हम कर देते हैं ग्रे से मार्क, और ये लास्ट वाला जो हम कर रहे हैं इसे हम कर रहे हैं ऑरेंज से मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर दिया, सो अभी हमें रेड का दिख गया कि कोई भी नहीं है, ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख दीजिए सभी सब्जेक्ट के अंदर 0000, सो ये आपको दिख गया, सो ये 26 वाली रेंज तो मैच हो गई। अब 26-40 पे चलते हैं, डेटा को आपने सिलेक्ट कर लिया है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट पे गए, अब आपको सिलेक्ट करना है बिटवीन, बिटवीन में आपको दिखना है 26 से लेकर 40, और इसको आपको हाईलाइट करना है येलो से, कस्टम फॉर्मेट में गए, फिल में गए, येलो सेलेक्ट करा और ओके करा, और फिर ओके करा, तो देखो आपको यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मार्क कर दीजिए 0000 and 0। फिर आपको ब्लू से हाईलाइट करना है, ठीक है, 40-50, फिर से आप गए यहाँ पे, सेलेक्ट करा आपने, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट पे गए, बिटवीन पे गए, 40-50, और इसको आपको हाईलाइट करना है ब्लू कलर से, सो कस्टम फॉर्मेट, ब्लू कलर ले लिया, ठीक है, और आपने ओके कर दिया और ओके करा, सो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आपको मिला है, सो ये जीरो हो गया है। अब हम चलते हैं पर्पल कलर 50-60, फिर से हमने डेटा सेलेक्ट करा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट में गए, बिटवीन में गए, 50-60, कस्टम फॉर्मेट, पर्पल हमने सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर दिया है, ठीक है, सो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला है, हमने यहाँ पे कर दिया 0000 and 0, तो पर्पल रेंज में भी आपको यहाँ पे मिल चुका है 0, क्योंकि हमारे करंट ईयर के डेटा के अंदर कोई भी इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है। अब आपको ग्रे से हाईलाइट करना है 60-70, सिलेक्टेड है आपकी रेंज,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, बिटवीन पे गए 60 to 70, इसे आपको करना है ग्रे से हाईलाइट। ग्रे सेलेक्ट करा, ओके करा, ओके करा। तो जैसे ही हमने 60 to 70 की कैटेगरी में यहाँ पे हाईलाइट करा और फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो हमें बहुत सारा डेटा मिल गया। अब हमें सब्जेक्ट वाइज काउंट करना रहेगा। सो इंग्लिश में आपको 3 दिख रहा है, ठीक है, सो आप इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 3। फिर हिंदी में आपको यहाँ पे दिख रहा है 3, तो हिंदी में भी मेंशन कर दीजिए 3, ठीक है। फिर मैथ्स में आपको 1 2 3, 1 2 3 और 4 यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 4 मेंशन कर दीजिए। साइंस में आपको 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो आप 4 मेंशन कर दीजिए। सोशल साइंस में आपको यहाँ पे, सोशल साइंस में आपको यहाँ पे फिर से 4 दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे 4 मेंशन कर दीजिए। सो ये इतना आपका हो चुका है। अब हमारा जो रेंज बचता है वो है 70 to 80। सो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंडीशनल में जाना है, हाईलाइट में जाना है, बिटवीन में जाना है, 70 to 80 करना है और इसको ऑरेंज से फिल करना है। सो ये सिलेक्ट करके आप ऑरेंज सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। सो आपको दिखेगा कि आपका जो बचा हुआ डेटा था वो अब फिल हो चुका है। सो इंग्लिश में 3 मीन्स 3, ठीक है, इंग्लिश में फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिखना है 3 क्योंकि ऑरेंज कलर से 3 सेल हाईलाइट हुए हैं। हिंदी में भी 3 है, ठीक है। मैथ्स के अंदर आपको 2 दिख रहे हैं, साइंस के अंदर और सोशल साइंस के अंदर भी आपको 2 और 2 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। सो आपका टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर देख लीजिए 6 आ चुका है। सो स्ट्रेंथ तो आपकी मैच कर रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली मैच करेगी क्योंकि आपके 6 स्टूडेंट हैं हर सब्जेक्ट के अंदर और वो मैच करना चाहिए। बट आपको यहाँ पे जो कंपैरिजन देखने को मिल रहा है वो ये है कि 26 की जो रेंज है वहाँ पे आपका डेटा CBSE के डेटा से मैच कर रहा है, 26 to 40 की जो रेंज है वहाँ पे भी आपका डेटा जो है वो CBSE से मैच कर रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे जो आ रही है वो है 40 to 50 के अंदर। 40 to 50 के अंदर साइंस और सोशल साइंस में एक एक बच्चे को आपने फाइंड आउट करा है अकॉर्डिंग टू द CBSE, जो कि आपके करंट डेटा से मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स कि आपको अपने 2 बच्चों को, ठीक है, एक साइंस सब्जेक्ट में और एक सोशल साइंस सब्जेक्ट में 40 to 50 की रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके वो आपके CBSE के डेटा से मैच हो पाएगा। ऐसे ही हम चलते हैं 50 to 60 के अंदर। सो यहाँ पे भी आप देखिए कि 3 बच्चों को आपको हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस, एक एक बच्चे को हिंदी के अंदर, एक बच्चे को हिंदी के अंदर, एक बच्चे को मैथमेटिक्स के अंदर और एक बच्चे को साइंस के अंदर 50 to 60 की रेंज में लेके आना है, जो कि यहाँ पे आपको करंट ईयर में नहीं दिख रहा है, करंट डेटा के अंदर नहीं दिख रहा है। फिर 60 to 70 में चलते हैं। तो 60 to 70 में इंग्लिश में आपको 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जबकि आपके करंट डेटा में 3 बच्चे हैं। हिंदी में आपको 3 दिख रहे हैं, यहाँ 60 to 70 में हिंदी में 3 है, ये डेटा बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स के अंदर 1 है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं। साइंस में 1 है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं। सोशल साइंस में 0 है और यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, ठीक है, 0 है और आपको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। सो डेटा आपका जो अरेंज होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए। इसको जब आप अरेंज करेंगे सो ये जो आपका करंट डेटा है ये चेंज होगा, इनके नंबर्स आप चेंज करेंगे, नंबर्स चेंज होंगे तो आपके ये जो मार्क्स हैं ये भी चेंज होंगे, तभी वो उस रेंज के अंदर पहुंच पाएंगे, ठीक है। मतलब जो 60 to 70 की रेंज में है उसको आपको लेके आना है 50 to 60 और 40 to 50 की रेंज में। क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो है वो इस तरह से अरेंज होना चाहिए। तो जब आप ये करेंगे तो आपको ये जो मार्क्स बने हैं, जो आपने ये मार्क्स कैलकुलेट करे हैं प्री बोर्ड से, प्री मिड टर्म से, क्लास टेस्ट से, हाफ ईयरली से, वो तो आपको मिल गए, बट अब आपको इनको चेंज करना पड़ेगा, मॉडरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इनको आपको उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाना पड़ेगा जो अभी आपका नहीं हो रहा है। फिर ऐसे ही हम लास्ट 70 to 80 की रेंज देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, हिंदी के अंदर 2 है, यहाँ पे करंट ईयर में 3 है, मैथमेटिक्स के अंदर 3 है अकॉर्डिंग टू द CBSE, यहाँ पे 2 है, साइंस के अंदर 3 है अकॉर्डिंग टू द CBSE, करंट ईयर में यहाँ पे 2 है, सोशल साइंस के अंदर 5 है CBSE के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 2 है। सो अब सोशल साइंस की हम, सो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए सोशल साइंस में आपको
अकॉर्डिंग टू द CBSE आपका एक बच्चा 40-50 में होना चाहिए, बाकी सारे बच्चे 70-80 में होने चाहिए। जबकि आपके करंट ईयर में, अगर आप करंट ईयर में देखें तो क्या हो रहा है, आपके मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 60-70 की रेंज में हैं और दो बच्चे जो हैं वो 70-80 की रेंज में। सो इसका मतलब 60-70 की रेंज में जो बच्चे हैं उनमें से तीन बच्चों को आपको 70-80 की रेंज में लेके आना। अब आपको कैसे करेंगे, सो आपको देखना है कि 60-70 की रेंज में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 70 से बहुत नियर हैं। जैसे मान लीजिए 69 हो गया, 68.5 हो गया, सो इनको जब आप थोड़े से मार्क्स देंगे सो वो 70-80 की रेंज में आ जाएंगे। और एक बच्चे को आपको 40-50 की रेंज में लेके आना है, सो उसको आप कैसे लेके आएंगे, सो जिन बच्चों को आप ऊपर की रेंज में ला रहे हैं उनमें आप मार्क्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जिस बच्चे को आप नीचे की रेंज में लेके जा रहे हैं उसमें आप मार्क्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जितने मार्क्स आप उसके डिक्रीज़ कर रहे हैं उतने ही मार्क्स आप दूसरे बच्चों के इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, इससे आपका जो सब्जेक्ट वाइज एवरेज है सोशल साइंस का वो मेंटेन रहेगा। मतलब जितना आपने एक बच्चे के अंदर डिक्रीज़ करा उतना ही आपने बाकी बच्चों के अंदर इंक्रीज़ करके इस रेंज को डिफाइन करा। सो इससे आपका जो सब्जेक्ट वाइज एवरेज है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। सो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे करके बता देता हूँ। सोशल साइंस में 60-70 की रेंज में हमें तीन बच्चों को लेना है और 70-80 की रेंज में लेके जाना है, और एक बच्चे को 40-50 की रेंज में लेके जाना है। सो कैसे करेंगे, सो हम चलते हैं यहाँ पर सोशल साइंस के जो फाइनल मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बच्चा 69 पे है, एक बच्चा 69 पे है और बाकी दो बच्चे जो हैं वो 68 पे। तो सबसे पहले हम 69 वाले को ले लेते हैं। सोशल साइंस का जो एवरेज है वो एक जगह कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगे होने की वजह से चेंज हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। इस एवरेज को हमने कॉपी करा, यहाँ पे आया, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल करा और वैल्यूज़ कर दिया और ओके कर दिया। सो वैल्यूज़ में आपको दिख जाएगा 70.042 या 04 आपका जो है वो एवरेज है। अब ये जो 69 वाला है इसे मुझे क्या करना है, 71 की रेंज में लेके जाना है, ठीक है। ये जो 69 है इसे मुझे 70 की रेंज में लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल 69 प्लस 2, ठीक है। सो ये हो गया 71। सिमिलरली इसी की तरह यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल 69 प्लस 2, सो ये हो गया 71। तो दो बच्चे तो आपके 71 की रेंज में पहुँच गए, बट आपका एवरेज जो है वो चेंज हो गया। अब हम इसको वापस से मैनेज करते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे को आपको 40-50 की रेंज में लेके जाना है, यहाँ पे अभी आपको एक बच्चे को और इंक्रीज़ करना है। सपोज करिए इस बच्चे को हमने और इंक्रीज़ करा, अब 268 के बच्चे हैं आपके पास, ठीक है। हम दोनों को पॉइंट में पहले देख लेते हैं, डेसिमल में देख लेते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है। दोनों की वैल्यू सेम है, 67.5। तो किसी भी एक को आप, जिसको आपको लगता है कि, आपको लगता है कि जिस बच्चे का परफॉर्मेंस ईयर वाइज अच्छा था, ठीक है, दूसरे बच्चे के मुकाबले, तो आप उसके मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल प्लस 3, तो ये हो गया, प्लस 4 कर देते हैं, सो ये हो गया 71.75, ठीक है। सो ये चार बच्चे जो हैं, पांच बच्चे जो हैं वो 75 की रेंज में चले गए। अब एक बच्चे को आपको नीचे लेके जाना है, सो इसको नीचे लेके जाने के लिए आपने यहाँ पे लिखा 67.75 इसके मार्क्स थे। हमने पहले दो इंक्रीज़ करा, सो यहाँ पे माइनस टू करा, माइनस 3 कर दिया, ठीक है। ये करा तो आपको दिखेगा कि आपका जो एवरेज है वो वापस से मेंटेन हो गया है, ठीक है। अगर आपका 0.04 है, सो यहाँ पे आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखिए, ये आपका एवरेज जो है वो मेंटेन हो गया है। अब ये जो स्टूडेंट है इसको आपको नीचे की कैटेगरी में लेके जाना था, कौन सी कैटेगरी में, इसको आपको लेके जाना था 40-50 की रेंज में, ठीक है। अभी ये कहाँ पे पहुँचा है, 50-60 की रेंज पे, देखिए ये पर्पल कलर में हो गया है। सो ये अभी 50-60 की रेंज में पहुँचा है, ये अभी वहाँ 40-50 की रेंज में नहीं पहुँचा है। सो इसके अभी मार्क्स आपको
और कम करने पड़ेंगे। और कम करने का मतलब है, मान लीजिए आपने इसके अंदर कर दिया माइनस 10, ठीक है। अब ये माइनस 10 करा तो आपका एवरेज जो है वो गड़बड़ हो गया। सो इस एवरेज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अब आपको लगता है कि कुछ बच्चे हैं जिनको आप थोड़े अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। सो जो पहले से ही 70 की रेंज में, उनके अगर आप मार्क्स चेंज करेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। सपोज करिए प्लस 5 मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, और प्लस 5 मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि माइनस 10 मैंने करा था। तो ये बच्चों का जो नंबर है वो बढ़ गया है और ये जो पर्सन है ये 49 वाली रेंज पे पहुँच गया है। आप देखेंगे सो 49 टू 50 की रेंज में एक बच्चा जो है वो यहाँ पे पहुँच गया है, उसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है, ठीक है, और बाकी जो है वो बढ़ी हुई रेंज में दिखाई दे रहे हैं। सो एक बच्चा आपका 40 टू 50 की रेंज में पहुंच गया है और बाकी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं आगे की रेंज में और यहाँ से हो चुका है 0, ठीक है। सो इस तरीके से आपको डेटा जो है वो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि CBSE ने आपको बोला है कि आपको उस रेंज के अंदर उस पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर बच्चों को लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ का फ़ायदा हो जाएगा, कुछ का नुकसान हो जाएगा। जिन्होंने साल भर अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं करा है उनका डेफिनेटली नुकसान होगा, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को साल भर मेंटेन करा है बहुत अच्छे से उनका फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं आपने डायरेक्टली यहाँ पे 5-5 नंबर इंक्रीज कर दिए थे, तो इस तरह से भी नहीं कर सकते आप, या आप चाहें तो 3 दे दीजिए किसी को, किसी को 2 दे दीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप अपने ओवरऑल सब्जेक्ट के एवरेज को मेंटेन रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द CBSE पर्टिकुलर रेंज के अंदर आप बच्चों को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे कि आपको कैसे मैनेज करना है। जो रेंज CBSE के अकॉर्डिंग आई है उसी रेंज में आपको अपने करंट ईयर के बच्चों को पहुँचाना है और पहुँचाने के लिए आपको मार्क्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। सो मार्क्स के अंदर जब आप चेंज करेंगे और जब आपके ये जो करंट ईयर के जो स्टूडेंट है ये रेफरेंस ईयर से मैच हो जाएंगे, तो मैच होने के बाद जो फाइनल मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे वही मार्क्स आपको CBSE को भेजने हैं। सो सबसे पहले आपको इनको आपस में मैच करना है, मैच करने के बाद जो यहाँ पे मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल आउट ऑफ 80 मार्क्स होंगे। सो ये प्रोसेस अब आपको लगभग समझ में आ गई होगी। अगर इस प्रोसेस के बाद भी कोई डाउट आपके मन में रहता है या कोई डिफिकल्टी आपको आती है, सो आप मेरे जो वीडियोस हैं Part 1, Part 2, Part 3 उनको देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपके जितने भी क्वेरीज हैं या जितने भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करने की, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने की। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए, मेरा Part 1, Part 2, Part 3 तीनों आप ध्यान से देखिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे आपको पूरे डेटा को मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करेंगे और जब आप मार्क्स अपलोड करने जाएंगे सो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी। सो प्लीज़ वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखिए, जो चीज़ें मैंने बताई है उसको करिए। मॉडरेशन करने का प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे बताया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी तरीके से मॉडरेशन करिए, बट क्योंकि CBSE ने सभी के हाथ बांध दिए हैं, ठीक है, उन्होंने रेंज आपको दी है और उन्होंने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दे दिया, उस परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट से आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट पता करने हैं कि किस रेंज में कितने कैंडिडेट आएंगे। सो उससे ज़्यादा कैंडिडेट आप उस रेंज के अंदर नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखने की कोशिश करेंगे सो आपका डेटा जो है वो अपलोड नहीं होगा, और अगर आपका डेटा CBSE के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है सो आपके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपका एफिलिएशन कैंसिल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो CBSE ने बोला है, ठीक है। सो प्लीज़ अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखिए, किस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म करा है, किस बच्चे ने चीज़ों को सबमिट नहीं करा है, उनके आप मार्क्स कम कर सकते हैं, जिन्होंने करा है उनके मार्क्स आप ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली मार्क्स को मैनेज करना पड़ेगा और यही एक तरीका है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप CBSE के जो मेल एड्रेस दिया हुआ था
सर्कुलर सीबीएसई का जो मेल एड्रेस दिया हुआ था सर्कुलर के अंदर, उस मेल पे भी आप अपनी क्वेरी को लिख के भेज सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको एंड में फेस करनी पड़ रही है, जो भी प्रॉब्लम आपको एंड में फेस करनी पड़ रही है इतने सारे कंपैरिजन, इतने सारे डेटा को मैनेज करने के बाद, वो आप सीबीएसई को मेल के थ्रू पहुंचा सकते हैं और जब सीबीएसई आपको रिप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। बट यस, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आपको सीबीएसई को जरूर बताना है, क्योंकि सीबीएसई ही आपको अप्रूव करेगी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सीबीएसई की परमिशन बहुत ज़रूरी है। सो वीडियोज़ को देखिए, जितने भी वीडियोज हैं उनको देखिए, सारी चीज़ों को समझिए, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो आपका और सीबीएसई का होना चाहिए, क्योंकि सभी स्कूल का डेटा, सभी स्कूल के स्टूडेंट, सभी स्कूल के मार्क्स कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे। सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी और ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल जो कर रहा है वही आप करेंगे। सो सीबीएसई से पूछे बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर इसको आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उनका कुछ फ़ायदा ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। हम एक बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ।